डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव लाइफ विद रोशनी। मैं हूँ रोशनी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कॉफ़ी कप का रियूज़ करेंगे। ये बहुत ही अच्छा आउट ऑफ वेस्ट होता है और इसमें आप घर में रखी हुई चीज़ों से कुछ डेकोरेटिव सा सामान क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हम कॉफ़ी मग का यूज़ करेंगे और उसका डेकोरेशन करेंगे और उसे किस प्रकार से हम होम डेक्योर में यूज़ कर सकते हैं, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम एक कॉफ़ी कप लेंगे और कॉफ़ी कप के ऑल अराउंड हम फेविक्रिल या फेविकॉल को अप्लाई करेंगे पूरी तरह अच्छे से। ग्लिटर का यूज़ करेंगे। मेरे पास दो प्रकार के ग्लिटर रखे थे, वाइट एंड ग्रीन। तो मैंने यहाँ पर बेसिकली फर्स्ट लेयर देने के लिए, फर्स्ट कोट करने के लिए यहाँ पर वाइट ग्लिटर का यूज़ किया है, जिसे मैं पूरी तरह से कॉफ़ी कप के ऑल अराउंड अप्लाई करूँगी। एंड सेकेंड लेयर मैंने यहाँ पर ग्रीन ग्लिटर का यूज़ किया है सेकेंड कोट देने के लिए। After that हम इसे completely dry होने के लिए रखेंगे for few minutes। आप make sure कर लीजिए कि completely dry हुआ है या नहीं, otherwise इसमें glitter अगर wet होगा तो वो गिरने लगेगा। अब हम यहाँ पे एक glitter foam sheet use करेंगे। मेरे पास red color की foam sheet थी। यहाँ पे हम कुछ flower create करेंगे तो मैं उसका एक shape काट रही हूँ। तो आपको जो फ्लावर क्रिएट करना है आप उसका शेप कट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ फेविक्रिल का यूज किया है, आप फेविकॉल का या हॉट ग्लू गन का यूज कर सकते हैं। और मेरे पास कुछ स्टोन पर्ल पहले से रखे हुए थे जो मैंने काफ़ी टाइम पहले लोकल मार्केट से परचेज़ किया था कुछ अदर DIY करने के लिए, तो मैं उन्हीं का यूज़ करूँगी यहाँ पर। मैं यहाँ एक फ्लावर क्रिएट करना चाह रही हूँ और इसमें मैं इसके चारों ओर इन पर्ल का यूज़ करूँगी। सो हमने यहाँ एक ब्यूटीफुल सा कॉफ़ी कप डेकोरेट कर लिया है। नाउ इट्स रेडी फॉर होम डेक्योर। इसमें आप आर्टिफिशियल फ्लावर रख सकते हैं या अपनी कुछ एसेसरीज रख सकते हैं।
फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।